पांडे जी, आप तो हरियाणा भी घूम के आए, आखिर क्या ऐसा खेल हो गया कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को हार वार का मुंह नहीं देखना पड़ा है, बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है। किसने की है बेईमानी? चुनाव लगाव आयोग ने। चुनाव आयोग क्यों बेईमानी करेगा? चुनाव लगाव आयोग ने बेईमानी की है क्योंकि भाजपा के इशारों पे चुनाव लगाव आयोग भी अब काम कर रहा है। कैसे बेईमानी की है, क्या सबूत है, किस बिहा पे कह रहे हैं आप? देखिए, प्रतिक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिना सबूत के अमितेश पांडे कुछ नहीं बोलता, अमितेश पांडे कुछ भी बोलता है तो डंके की चोट पे बोलता है। अब वो डंका का चोट क्या है? चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था कुछ समय पहले। वो हरियाणा में थोड़ी हुआ है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? चुनाव की बात कीजिए ना। देखिए पत्रकार महोदय, यही समस्या, अगर आप पढ़ लिख लिए होते तो ऐसा सवाल नहीं पूछते। ठीक है, मैंने पढ़ा। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? अरे छोड़िए ना भाई, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है की बात करें, मेयर का चुनाव हुआ है। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? विधानसभा चुनाव की बात करें, कहाँ की राजधानी है चंडीगढ़? बदतमीजी ने कहा की राजधानी है। अरे चुनाव की बात, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? चंडीगढ़ भी हरियाणा के अंदर ही आता, आपको मालूम होना चाहिए। मैं मेयर की बात कर ही नहीं रहा, विधानसभा चुनाव का। मेयर के, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो पार्टी मेयर के चुनाव में 8 वोटों के लिए बेईमानी कर सकती है वो विधानसभा के चुनाव में शांत रहेगी। अरे सुपरा साफ कर दिया। लोकसभा के चुनाव में भी बेईमानी हुआ है, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में भी बेईमानी हुआ है, और आगे भी चुनाव लगाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के बेईमानी करते रहेंगे। अरे मोदी जैसा ईमानदार नेता कोई है? नहीं है मोदी ईमानदार, मोदी जी जैसा बेईमान नेता कोई नहीं है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को तो चाहते ही नहीं थे, तो वो जीतती कैसे? जनता से बड़ा ईमानदार कोई है क्या? आप खाइएगा, मिट्टी उठाइएगा और कसम खाइएगा कि जनता बोलती है ऐसा। हरियाणा की जनता के रग रग में कांग्रेस बसा हुआ है, हरियाणा की जनता के दिल में भी दीपेंद्र हुड्डा राज करता है। आपको बता दें कि हरियाणा की जो जनता है इस बार महिलाओं के मुद्दों को लेकर के वोट की है, किसानों के मुद्दों को लेकर के वोट की है, वहां का जो युवा है बेरोजगारी के मुद्दे को उठा करके वोट किया है, और आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी? ये खेल कैसे हुआ, पहले कांग्रेस आगे फिर बीजेपी आगे हो गई, ये हुआ कैसे खेल? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अभी तक सदमे में हूं। जब शुरू में काउंटिंग चल रही थी और बैलेट पेपर्स की काउंटिंग चल रही थी तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपका ईवीएम खुलता है और ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है, कांग्रेस पार्टी को अचानक से पीछे कर दिया जाता है। ऐसा कौन सा चमत्कार है ईवीएम में कि अचानक से कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाती है और बीजेपी आगे चली जाती है? और ऐसा सिर्फ हरियाणा के चुनाव में नहीं देखा गया, 2020 के बिहार के विधानसभा के चुनाव में भी देखा गया था, और भी कई सारे चुनाव हुए जिनमें ऐसा देखा गया है। कांग्रेस हारी है या हराया गया है? हराया गया है, कांग्रेस पार्टी को हारी नहीं है, हराया गया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जलेबी गायब कहां हो गया? गोबर खाने वाले लोग अब जलेबी की बात करेंगे? गोबर खाने वाले अंधभक्त जलेबी की बात कर रहे हैं। गोबर कौन खाता है? अंधभक्त, अंधभक्त जो नाली के गैस से चाय बना के पीते हैं वो लोग, और कौन? और नाली के गैस से चाय बनाने की टेक्निक कौन लाया था? अब मोदी जो विश्वगुरु बनाए वो नहीं दिखा आपको, लेकिन गोबर दिख रहा है। ओ, नीरव मोदी विश्वगुरु बना दिया इनको, वाह अरे पत्रकार, वाह 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 वाह, नीरव मोदी विश्वगुरु बना दिया, ललित मोदी विश्वगुरु बना दिया। अरे अब कितना बेशर्म पत्रकार है ये, ललित मोदी को कह रहा है मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री की बात हो रही, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की नहीं पहचानते हैं? हम नहीं जानते। हरियाणा में सुपरा साफ कर दी कांग्रेसियों का, कहे नहीं, चेहरा उनका दिख रहा था नरेंद्र मोदी का कहीं पे। परसों जब चल रहा था एग्जिट पोल तो नड्डा का चेहरा दिख रहा था ऐसे करके, वही नड्डा जो सदन में ओ ओ ओ ओ ओ करके उसका मीम्स बनता है, वायरल होता है। राहुल गांधी को कहिए कि सीखेंगे वो अपने पार्टी। राहुल गांधी जी से सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को? क्या सीखेंगे वो? यही कि हारा कैसे जाए? नहीं, प्रेम फैलाना, यही कि हारा कैसे जाए, मिटाना, राहुल गांधी से सीखा। कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान, वहां तो कमल खिल गया मोहब्बत की दुकान। कोई कमल वमल नहीं खिला है, कमल नहीं वो जहर है, पूरे देश में कांग्रेस के पंजे की लहर है। अरे लहर तो मोदी का भैया जीत गया, नहीं दिख रहा आपको? मैं आपको, अच्छा एक मिनट, मोदी जी को बधाई दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दूंगा, बल्कि मैं हरियाणा की जनता को आगाह करूंगा कि आप लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी जी को चुना है और भाजपा वहां पे फिर से आ गई है तो फिर से किसानों पे लाठियां बरसाई आ गई है। भाजपा ही नहीं, आ गई है, फिर से चुनाव होगा, नहीं आई है। जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता मैं नहीं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आई है वहां पे। मतलब क्या कह रहे हैं, फिर दोबारा चुनाव होगा? बिल्कुल दोबारा चुनाव होगा, और देश की जनता इस बार एक साथ खड़ी है, और हरियाणा के हर एक युवा के हाथ में लठ है, किसान के हाथ में लठ है, मजदूर के हाथ में लठ है, और इस बार लाठी के जोड़ पे फिर से चुनाव कराने का काम करेंगे हम लोग।
स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, तमाम लोग का भविष्यवाणी साबित हुआ, सही साबित हुआ। स्मृति ईरानी अभी उनका क्या राजनीतिक अस्तित्व बच गया है, गजब। किसी का भी नाम ले लेते हैं आप लोग। महिलाओं का अपमान आप लोग करते हैं, हंसी छूट जाता है उनका नाम लेते हैं। महिलाओं अजब हंसी स्मृति ईरानी पे हंसी क्यों छूट रहा है आप लोग को? कंगना पे हंसी क्यों छूट रहा है? सांसद है बीजेपी की, सास भी कभी बहुत थी, सिलेंडर भी कभी सस्ता था, सास भी कभी बहुत थी, युवाओं के पास भी कभी रोजगार था, सास भी कभी बहुत थी, और कभी महिलाओं का अपमान नहीं होता तो था। मतलब हरियाणा में हार की वजह जो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है, बेईमानी है, चुना लगाव आयोग है और भाजपा की बी टीम है। अरे बता दीजिए, सच तो उगल दीजिए। क्या सच उगल? सच ये है कि कांग्रेस की नाकामी है हरियाणा। नाकामी किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी के है, भारतीय जनता पार्टी की है। बीजेपी के जंगल राज से हरियाणा की जनता त्रस्त थी। मतलब कांग्रेस की चूक कहीं नहीं हुई है? कांग्रेस की चूक कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि हरियाणा हम जीत रहे थे, और सही बात है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, 10 साल के बच्चे से भी अगर आप पूछ लेते ना कि हरियाणा में किसकी लहर थी, तो वो बता दे कि कांग्रेस पार्टी की लहर थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ते जोड़ते जो है दरअसल पार्टी को जोड़ लेते थे, हरियाणा जीत जाते। पार्टी जुड़ी हुई है हमारी। अब भारत जोड़ो यात्रा तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब ईवीएम तोड़ो यात्रा भी निकालेंगे। पहले सैलजा जी को तो जोड़ लीजिए, मना लीजिए। सैलजा जी जुड़ी हुई है, खाली हाथ दिखा देने से हो जाएगा? सैलजा जी जुड़ी हुई है, सैलजा जी शुरू से हमारे साथ हैं, और कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही हैं। तो कुमारी शैलजा जी के विषय में अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, फिर मैं भी बोल रहा हूँ, तो काफी छोटी बात है। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस का मान है, गौरव है। छोटी बात यह है कि राहुल गांधी दरअसल इन लोगों को मना ही नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने सभी को मना करके रखा है, कोई रूठा ही नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कोई तानाशाहों की पार्टी नहीं है कि अगर हमें तुम छोड़ करके गए तो हम ईडी सीबीआई से तुमको परेशान कर देंगे। हमारे यहाँ प्रेम से किसी भी चीज को समझाया जाता है, बुझाया जाता है, और ये पार्टी के आंतरिक मामला था। इसके तो बाहरी मामले की वजह से तो हार हुई है। पार्टी के परिवार के लोग बोलेंगे, कोई दलाल पत्रकार बेईमानी दे रहा है। बेईमानी गजब हाल है, बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की है। बेईमानी तो कांग्रेस के खानदान के खून में है, तभी तो हार रहे हैं। पत्रकार महोदय ज्यादा मत बोलिए, उंगली दिखाएंगे आप। उंगली अभी उंगली दिखा दे, यहाँ है ना, ये आप हाथ देख रहे हैं, इस पे राख लगाऊंगा और आपकी जीभ सट से खींच लेने का काम करूंगा। ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए। बेईमानी अगर किसी के खून में है तो बीजेपी के खून में है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी बेईमान, नरेंद्र मोदी बेईमान, अमित शाह बेईमान, निर्मला सीतारमन बेईमान, कंगना रनौत बेईमान, बेईमानों का नाम गिना दो और किसी का नाम गिना दो। खड़गे जी, जयराम रमेश जी, पमर खेरा जी, पहले देखो कैमरे पे देखो, बताओ बताओ क्या हो रहा है, क्या बेईमानी किया है, क्या बेईमानी है, क्या बेईमानी किया है? चुनाव आयोग को खड़गे जी के खिलाफ एक शब्द बोलना ठीक नहीं होगा। ईवीएम सिर तोड़ डालूंगा तुम्हारा, कायदे में रहो, कायदे में रहो, कायदे में रहो। गुंडागर्दी सिखाना सिखाया है, और क्या करना सिखाया? गुंडागर्दी आप एक्सेप्ट कीजिए कि हार हुई है, जनता ने हार हार कर दिया। ना हार में न जीत में किंचित नहीं भाई, भीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला है अभी सही वह भी सही। हारे हम लोग नहीं है, हराए गए हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिस तरह से अर्जुन जीता नहीं था, जिताया गया था, और ये तो कौरव है, फिर भी मान ये लोग कंस के रूप मान लीजिए ना कि मोदी मोदी है। मान लीजिए क्या है मोदी? मोदी भगवान, भगवान हरियाणा के भगवान। तो पूजा कीजिए, जाकर के पूजा कीजिए मोदी जी का, शपथ ले रहे हैं, पूजा करेंगे। देखिए इस पत्रकार का, इस पत्रकार का इधर देखिए, इस पत्रकार का धर्म भाजपा है और इनका भगवान मोदी है, और ये पत्रकार गोमूत्र पीता है और गोबर खाता है, पूरा हिंदुस्तान गोबर भगवान मान रहा है, गोबर पूजा करता है मोदी जी का, गोबर भक्त कहीं के, गोमूत्र पीने वाले भक्त कहीं के, अंधभक्त कहीं के, मोदी के तलवे चाटने वाले भक्त कहीं के। मोदी जी को जिस दिन समझ लेंगे ना, आप भी उनकी पूजा करने लगेंगे। क्या उनको समझना है? कैसे ऐसे बड़ा सा दाढ़ी और ऐसे बढ़ा करके किसी सीरम बनाने वाली कंपनी को ठेका दे देना है वैक्सीन बनाने का, और उसे चंदा ऐसे करके ले लेना है और भाग जाना है। अभी निर्मला ताई पे कितना बड़ा आरोप लगा है, निर्मला ताई काहे नहीं जेल जा रही है? कब जाएंगी निर्मला सीतारमन जेल? तो जेल जाने से क्या हो जाएगा? जेल जाएंगे हम लोग, देखेंगे कि मजा आएगा। प्याज का दाम क्या है तब पूछेंगे उनसे, प्याज खाती है कि नहीं खाती है, क्योंकि जेल में रोटी दाल और प्याज मिलता है ऐसे तोड़ करके। आखिर में ये बता दीजिए कि हरियाणा में क्या शपथ वो ले पाएंगे सीएम सैनी? क्या दोबारा चुनाव होगा? चुनाव आयोग क्या करेगा, जल्दी बता दीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को धरने पर बैठ जाना चाहिए और चुनाव लगाव आयोग से फिर से शिकायत करना चाहिए, और उससे साफ साफ स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि कभी एक घंटे के लिए तुम बंद कर देते हो लाइट वाइट, जहाँ पे ये सारे वोट वगैरह रखे रहते हैं, ईवीएम मशीन रखी रहती हैं, तो कभी तुम एक एक कभी तुम दो दो घंटे की देरी कर देते हो काउंटिंग में, तो कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, ऐसा कब तक चलेगा? कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं, इनका जवाब दे चुनाव लगाव आयोग। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, भाजपा की बी टीम ने भी वहां पे बहुत अच्छे से काम किया है हमें हराने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।